हेलो एवरीवन वेलकम टू क्वांटिफायर्स सो स्टूडेंट्स आज से मैं एक रेगुलर क्वेश्चन पोस्ट करूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए एवरी डे यू लर्न अ न्यू अ क्वेश्चन ऑन ये क्वेश्चन एज अ डाउट आया था मेरे पास सो आई थॉट ऑफ मेकिंग ऑन इट इट्स अ गुड क्वेश्चन ना बिफोर वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन लेट मी टेल यू अगर आप एक सीरियस कैटेस्परेंट हो और आप चाहते हो कि आपको आपके व्हाट्सएप पे सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आती रहे रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट एग्जाम्स so I would request you to please fill the Google form जिसका link description में given है इसके अलावा students हमारा Facebook group WhatsApp group Telegram group भी है जहां हम regular questions post करते हैं आपकी practice के लिए आप अपने doubts भी यहां post कर सकते हो जिसका हम instant reply करेंगे uh, इन सबके link भी description में given है now let us come to the question I would request all of you to please pause the video and give this question a try okay students so I hope आप सबने try किया होगा question में given है length of sides of two rhombuses differ by two डायगनल फॉर इच ऑफ द रॉम्बस इज ऑफ द सेम लेंथ ऑफ इट्स तो वेरी इंपॉर्टेंट वो कह रहे हैं कि जो रोम्बस की साइड है वही डायगनल की भी लेंथ है दोनों रोमबस के एरिया का प्रोडक्ट गिवन है, है छोटे वाले रोम्बस की साइड लेटमी क्विकली टेल यू दॉपर्टीज ऑफ रोम्बस देन ओनली यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन रोम्बस की सारी साइड बराबर होती तो अगर मैंने एक साइड को एक्स मान लिया तो बाकी भी एक्स हो जाएंगे रोमबस के दोनों डायगनल्स बराबर नहीं होंगे ओके डायगनल्स आर नॉट इक्वल बट दे विल बाइसेक्ट इच अदर मतलब जितनी ये लेंथ उतनी ये लेंथ और जितनी ये वाली लेंथ उतनी ये वाली लेंथ एंड वेरी इंपॉर्टेंट डायगनल्स विल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री ओके डायगनल्स विल इंटरसेक्ट एड नाइनटी डिग्री एरिया रोमबस का क्या होगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू ओके डी वन एंड डी टू आर दिस इज ऑल यू नीट नो टू सोल्व दिस क्वेश्चन अब दो रोम्बस है तो एक रोम्बस की साइड को मैंने एक्स ले लिया तो दूसरे रोम्बस की साइड हो गई एक्स माइनस टू ओके बड़े वाले रोमबस की साइड को मैंने एक्स मान लिया कहने से कि अगर मैंने एक रोम्बस की साइड जो मैंने एक्स ली है तो उसका एक डायगनल भी एक्स होगा तो लेट से ये वाला पूरा डायगनल

इस तरह से आप देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है ये की साइड है एक्स कैन फाइंड अदर हाफ ऑफ हैं तो अगर बाई फोर बाय फोर तो थ्री बाय फोर का स्क्वायर रूट दैट वुड बी रूट थ्री एक्स बाई टू ओके स्टूडेंट्स नाउ दिस इज हाफ ऑफ द अदर डायगोनल तो कहने से अदर डायगोनल विल बी Of this value, right? एक डायग्नल x था तो दूसरा डायगेल क्या हो जाएगा रूट थ्री एक्स बाई टू का डबल विच इज रूट थ्री एक्स स्टूडेंट्स आई होप ये बात सबको क्लियर है अब ऐसे ही स्टूडेंट्स जो दूसरा वाला रोम्बस है उसके डायगनल हमें अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर हमारे पास रिलेशन आ चुका है आप देख सकते हो कि जो एक डायगनल था दूसरा अभी इसका डायगनल भी एक एक्स माइनस टू है राइट बिकॉज इट इज गिवन इन क्वेश्चन तो दूसरा डायगनल क्या हो जाएगा रूट थ्री टाइम्स एक्स माइनस टू नाउ वी जस्ट नीड टू मेक इक्वेशन एरिया ऑफ दर्स्ट नॉम्बर्स विल बी हाफ इंटू एक्स इंटू रूट थ्री एक्स राइट ऐसे ही दूसरे नॉम्बर्स का एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू एक्स माइनस टू इंटू रूट थ्री टाइम्स एक्स माइनस टू ये दोनों जो नॉम्बस है इनके एरिया का प्रोडक्ट हमें गेवन है दैट मीन्स इफ यू मल्टीप्लाई देट वन सिक्सटी एट पॉइंट सेवन फाइव

की जरूरत नहीं है देख के ही पता लग रहा है थ्री इंटू फाइव इज फिफ्टीन राइट क्योंकि दोनों में दो का डिफरेंस है प्रोडक्ट फिफ्टीन है सो इट है थ्री एंड फाइव तो एक्स की जगह फाइव आ जाएगा राइट right? और मुझे निकालना क्या है साइड ऑफ स्मॉलर स्मॉलर रोम्बस रोम्बस दर ऑम्बस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी दैट वुड बी बी विल दी दी आंसर आंसर ओके स्टूडेंट्स इज करेक्ट आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज uh, वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इट विल मोटिवेट अस टू गिव यू बेटर कंटेंट थैंक यू एवरी वन